हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्डहाउस इंजीनियरिंग में। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे C25 कंक्रीट के बारे में। व्हाट इज ए C25 कंक्रीट? C25 कंक्रीट होता क्या है? जनरली आप जानते हैं M15, M20, M25 या फिर M30 और जो भी हमारे ग्रेड्स के कंक्रीट होते हैं उनके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आपने अभी तक कहीं स्टडी में नहीं देखा होगा कि C25 कंक्रीट क्या होता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, चलिए देखते हैं कि ये C25 कंक्रीट हमारा होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले आप देख लीजिए कि M20 ग्रेट कंक्रीट होता क्या है। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि व्हाट इज M20 ग्रेट कंक्रीट। M20 ग्रेट कंक्रीट का मतलब ये है सिंपल सा कि जिसमें M जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है कि मिक्स क्या है, मिक्स के रेशो को डिपेंड करता है, और जो 20 है हमारा ये After 28 days, 20 न्यूटन पर mm square, इसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है जो 28 डेज में आती है, उन सभी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर सिंपल सी भाषा में कहें ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट में, तो M20 का मतलब है M से मिक्स, 20 से उसका जो मिक्स डिज़ाइन जिसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज बाद होती है। अगर इनके देखें तो M5 से M7.5 और ये M14 तक दिया हुआ है, हालांकि 25 के ऊपर मिक्स डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर इनके रेशो की बात करें तो आप ये देख सकते हैं 1:5:10, 1:4:8, तो इसमें रेशो होता है। अब ये हमने M20 ग्रेड समझ लिए। मैं फ्रेंड्स ये इस कारण बता रहा हूँ आपको कि आपको M20 और M25 और C25 इनमें डिफरेंस पता चले, डिफरेंस बिटवीन बोथ पार्ट की दोनों में क्या डिफरेंस है। अब चलिए देखते हैं हमारा C25। अब यहां पर जो हमारा C25 कंक्रीट है, इसका मतलब ये है कि जो ग्रेड C25 हमारा, इसकी कंप्रेशन रेसिस्टेंस जो होती है 25 न्यूटन पर mm square होती है, पर स्क्वायर मिलीमीटर में, यानी न्यूटन पर mm square इन 28 डेज, मतलब 28 डेज के बाद, और हमारे जो उसमें था कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती थी। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेशन रेसिस्टेंस, अब हम आगे इसके बारे में और भी देखेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए आप। अब इसका अगर प्रोपोर्शन देखें हम C20 ग्रेड का यहाँ पर, तो C20 का हमारा ये मतलब रहेगा कि 1, 2, 4 1, 2, 4 जिसमें हमारा 1 part सीमेंट, 2 part फाइन एग्रीगेट एंड 4 part हमारा जो रहेगा कोर्स एग्रीगेट रहेगा। और इस वीडियो में ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि C20 और M25, M20 इनमें कितना डिफरेंस होना चाहिए और कितना होता है वो भी देखेंगे आगे। अब इसके बाद देख लेते हैं हम C20 के बारे में थोड़ा सा कि C25 जो है हमारा सिलेंड्रिकल सैंपल का शो करता है, जो सी है हमारा C20 सिंबल, जो हमारा वहाँ पे M25 था या M20, तो वो हमारा मिक्स और 20 को इसको मतलब रिप्रेजेंट करता था, लेकिन यहाँ पर सी हमारा जो है सिलेंड्रिकल सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसमें बात करें फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इन सब का जो मिक्स होता है, इसकी C20 की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो 20 न्यूटन पर mm square होती इसकी आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग वगैरह करने के बाद। अब ये चीज़ इसमें देखना जरूरी है कि इसमें दो हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल सेप है और एक डायरेक्शन में लोडिंग है। अगर हम इनमें अंतर देखें तो जनरली जो स्ट्रेंथ है सिलेंड्रिकल सेप की 0.8 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब होती है। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें फ्रेंड्स, तो M20 इज इक्विलेंट टू C25। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।